الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد صدق الله العلي العظيم معزز سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته सबसे पहले खुदा वहदहू ला शरीक बादशाह का हम्द सना, इसके बाद मोहम्मद और आल मोहम्मद पर दुरूद सलाम हदीयतन तोहफ़तन पेश करने के बाद मैं बंदी नाचिस ने कुरान मजीद फुरकान हमीद से एक छोटी सी आयत तिलावत करने की शर्फ हासिल की। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला शर्फ फरमाते हैं, इलमु अन्नम हयात दुनिया लईब व लहव व ज़ीनत व तफाखुर बैनकुम व तकासुर फिल अमवाल वल औलाद। जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी महज खेल तमाशा जीनत और तुम्हारे आपस में फ़ख्र और माल औलाद की एक दूसरे से ज़्यादा ख्वाहिश है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को पैदा किया है और इसे सारी कायनात को सुनने की ताकत अता की है और वो क़यामत तक मेरे कब्र पर खड़ा है। तो जो भी मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद शरीफ भेजता है और मेरा नाम लेता है तो वह फ़रिश्ता इसका नाम और इसके बाप का नाम लेता है और यूँ कहता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ के बेटे फ़लाँ ने आप पर दुरूद भेजा है। हज़रत ऐसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया तीन दिनों पर मुश्तमिल है, एक दिन गुजर गया और तेरे हाथ में कोई चीज़ भी नहीं, दूसरा वो दिन जिसके बारे में तू नहीं जानता कि तू इस दिन को हासिल करेगा या नहीं, तीसरा वो दिन जो अभी तेरे पास मौजूद है तो इसी दिन को गनीमत समझो क्योंकि दुनिया क्योंकि हकीकत में तेरे पास एक ही लम्हा है और दुनिया तीन सांसों पर मुश्तमिल है, एक सांस जो गुजर गया, दूसरा सांस जो जिसके हासिल करने के बारे में तू नहीं जानता और तीसरा वो सांस तेरे पास मौजूद ही है। तू सिर्फ एक सांस का मालिक है, एक दिन का और एक घड़ी का मालिक है। तो इसी एक लम्हे में फौत होने से पहले अल्लाह ताला की फरमानबरदारी और मरने से पहले तौबा कर ले क्योंकि मुमकिन है कि दूसरे सांस में तुझे मौत आ जाए। और अक्सर अमल औकात को याद करता रहे क्योंकि जिस बंदे ने वक्त को ज़ाया कर दिया इसने अपनी सारी उम्र को ज़ाया कर दिया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी हालत में वफात पाई कि मेरे घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जिसको खाया जा सकता, मगर मेरी अलमारी में थोड़े जव मौजूद थे। और सरकार दो आलम का इरशाद है कि अल्लाह जल्ल जलाल ने मुझसे फरमाया, अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए तेरे मक्का की वादी सोना बना दूँ। बस मैंने अपने रब से अर्ज़ किया कि मैं भूखा रहूँगा और एक दिन खाना खाऊँगा, जिस दिन भूखा रहूँगा इस दिन आहुजारी करते हुए मैं तुझसे दुआ करूँगा और जिस दिन खाना मिलेगा इस दिन मैं तेरे हाथ बयान करूँगा। हज़रत जिब्रैल अमीन अलैहिस्सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह ताला का यह पैगाम दिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इन तमाम पहाड़ों को सोना बना दूँ और जहाँ भी तुम रहो ये पहाड़ तुम्हारे साथ रहेंगे। तो एक लम्हा के लिए आपने अपने सर को झुकाया और कहने लगे कि ए जिब्रैल अमीन अलैहिस्सलाम, दुनिया इसका घर है जिसका कोई घर नहीं और दुनिया उस आदमी के लिए माल है जिसके पास कोई माल नहीं, और जो आदमी दुनिया को जमा करता है वो अकल से महरूम है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था कि अचानक एक खूबसूरत कपड़ों में एक शख्स आपके पास आया और कहने लगा, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, और आपसे पूछने लगा कि दुनिया क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोने वाले के लिए ख्वाबगाह की तरह है। फिर आखिरत के बारे में पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि एक गुरुह जन्नती होगा और दूसरा दोजखी होगा। फिर इसने जन्नत के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया छोड़ने वालों के लिए दुनिया का बदला है क्योंकि जन्नत की कीमत दुनिया को छोड़ना है। फिर इसने दोजख के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह दुनिया के तालिब के लिए बदला है। फिर इसने पूछा कि इस उम्मत में से बेहतरीन शख्स कौन है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी की है। फिर इसने पूछा कि आदमी की दुनिया में क्या हालत होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह एक काफिले का इंतज़ार करने वाला ठहरता है वो आदमी जो काफिले से पीछे रह जाए। फिर पूछा कि दुनिया और आखिरत के दरमियान कितना वक्त है तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो आँखों को बंद करने के बराबर है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वो शख्स वापस चला गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स हज़रत जिब्रैल अमीन अलैहिस्सलाम था और तुझको तक़वा और परहेज़गारी के बारे में बताने के लिए आया था ताकि तुम दुनिया को छोड़ दो और तुम्हारी रग़बत आखरत की तरफ हो जाए। अल्लाह ताला ने किसी मखलूक को दुनिया से बदतर पैदा नहीं फरमाया और जब से मखलूक को पैदा किया तो इसकी तरफ नहीं देखा।
अब मैं रमज़ान मुबारक की 8वीं दुआ के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम اللهم ارزقني فيه رحمة الإتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وارزقني فيه صحبة الكرام وجنبني فيه مسابحة للآم بالتولك يا أجل الآجلين برحمتك يا أرحم الراحمين। तर्जुमा, परवरदिगार मुझे इस माह में यतीमों पर तरस खाने, खाना खिलाने और सलाम राइज करने की तौफीक दे। शरीफ लोगों की सहबत नसीब कर और मुझको अपनी कुव्वत से कमीनों की सहबत से बचा ले। ए आरजूमंदों की आरजू बर लाने वाले, ए सबसे ज़्यादा रहम मौले, हमें तेरी रहमत का सहारा है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस